चाणक्य नीति। पुरुषों के ये तीन गुण करते हैं महिलाओं को आकर्षित। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में व्यक्ति के स्वभाव, गुण अवगुण आदि के बारे में भी चर्चा की है। तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति के अनुसार पुरुषों के उन गुणों के बारे में जो महिलाओं के मन को भाते हैं। चाणक्य नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने जीवन को सरल तरीके से जीने और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने उपदेशों द्वारा मार्गदर्शन किया है। वहीं एक पुरुष के बारे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर किसी पुरुष में ये खास गुण होते हैं तो ये महिलाओं को उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। ये गुण एक पुरुष के व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में उन गुणों के बारे में। शालीनता। आचार्य चाणक्य के अनुसार महिलाओं को शालीन या सभ्य स्वभाव वाले पुरुष बहुत पसंद आते हैं। यानी जिस आदमी में घमंड नहीं होता और वह कोई गलती करने पर उसे नम्र भाव से स्वीकार ले ताकि संबंधों में मिठास बनी रहे। भरोसेमंद आदमी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपनी कोई निजी बात बताए और वह पुरुष उसे अपने तक ही सीमित रखे तो ऐसे भरोसेमंद पुरुष भी महिलाओं को बड़े भाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी रिश्ते में आपसी विश्वास होना बहुत जरूरी है। महिलाओं को भरोसा न तोड़ने वाले और बात बात पर महिलाओं पर रोक टोक न करने वाले पुरुष अच्छे लगते हैं, वरना रिश्ते में खटास आते समय नहीं लगता। भावनाओं की कद्र करने वाले। चाणक्य नीति के अनुसार वे पुरुष जो सबकी भावनाओं की कद्र करते हैं उनका ये गुण महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। अगर कोई पुरुष किसी महिला की छोटी बड़ी बात का ख्याल रखे और उन्हें अपने साथ सुरक्षित महसूस करवाए तो ये बात महिला के मन को छू जाती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के अलावा व्यवहारिक जीवन को लेकर भी कई नीतियां दी हैं। चाणक्य की ये नीतियां हर कदम पर, हर मुश्किल वक्त और हालात से मनुष्य को निकालने के लिए काफी रहती हैं। ऐसे में चाणक्य की कुछ नीतियां हैं जिनको अपने जीवन में उतार कर आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने इसी तरह महिला और पुरुष के बीच संबंधों और रिश्तों को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया है कि स्त्रियां कैसा जीवन साथी चाहती हैं, उनके विचार अपने जीवन साथी को लेकर कैसे होते हैं और साथ ही वह इस बात का भी ख्याल रखती हैं कि उनके जीवन साथी का मनोभाव कैसा होगा। ऐसे में स्त्रियां अपने जीवन साथी में कुछ खास गुणों की तलाश करती हैं और ये मिल जाए तो वह ऐसे मर्दों पर फिदा हो जाती हैं, उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं। लव लाइफ हो या शादीशुदा जिंदगी, एक दूसरे के प्यार को बरकरार रखने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर भरोसा बन गया तो समझो आपका जीवन स्वर्ग है और अगर नहीं बना तो नर्क से कम नहीं। चाणक्य नीति में पुरुषों के कई ऐसे गुण बताए गए हैं जो किसी भी लड़की या महिला को बेहद पसंद आते हैं। ऐसे पुरुषों को देखकर महिलाएं उन पर फिदा हो जाती हैं और वह उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए बेताब रहती है। आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार पुरुषों में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे कोई भी महिला या लड़की उस पुरुष के प्यार में पागल हो जाए। पार्टनर का राज छुपाना। चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं उन पुरुषों से बेहद खुश रहती हैं जो अपने पार्टनर के राज गुप्त रखते हैं और किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। इन्हें अपना पार्टनर बनाने के लिए ये अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। महिलाओं को ऐसे स्वभाव के पुरुष बहुत पसंद आते हैं। खुली लगाम दो। वह पुरुष जो महिलाओं को पूरी आजादी देता है और उन्हें घूमने फिरने, कपड़े पहनने और खाने पीने की आजादी देता है। महिलाएं ऐसे पुरुषों से बेहद प्यार करती हैं और ऐसे पुरुषों के साथ हमेशा रहने के लिए तैयार रहती हैं, ताकि उन्हें आजादी के साथ रहने में कोई परेशानी न हो। आदर और सम्मान करना। जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी हर बात का ख्याल रखते हैं वे उनकी सभी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती हैं। ऐसे पुरुषों को हर महिला अपना पार्टनर बनाने के लिए उत्सुक रहती है। संतुष्ट होना। जो पुरुष किसी भी महिला को संतुष्ट रखते हैं और उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, जो पुरुष उसके हर फैसले में उसका साथ देते हैं, ऐसे पुरुष हर महिला को प्रिय होते हैं। ऐसे पुरुषों के प्यार में महिलाएं पागल हो जाती हैं।
दोस्तों, शरीफ औरतों की पहचान करने में अक्सर पुरुष धोखा खा जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि पुरुष औरतों की इनर ब्यूटी के बजाय बाहरी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। अतः किसी भी स्त्री की पहचान आंतरिक गुणों से करनी चाहिए, न कि बाहरी सुंदरता से। आगे बताया गया है कि आप किस तरह से शरीफ औरतों की पहचान या अच्छी स्त्री की पहचान कर सकते हैं। शरीफ औरतों की पहचान या अच्छी स्त्री की पहचान करने का तरीका। दोस्तों, शरीफ औरतों की पहचान या अच्छी स्त्री की पहचान उसके गुणों और अच्छे व्यवहार आदि से की जा सकती है। आगे बताए गए 5 तरीके या गुण बताते हैं कि कोई स्त्री अच्छी और शरीफ है या फिर नहीं। 1. शरीफ और अच्छी स्त्री गलत चीजें करने से बचती हैं। जी हाँ, शरीफ और अच्छी स्त्रियां हमेशा सच का साथ देती हैं। उनके मन में छल कपट आदि नहीं होता है। ऐसी औरतों से अगर भूलवश कोई गलती हो भी जाती है तो उसे स्वीकार कर माफी मांगती हैं। नशे और लड़ाई झगड़े से दूर रहती हैं। गलत प्रकृति वाले दोस्तों से दूरी बनाती हैं। एक अच्छी महिला कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहती हैं। दूसरे की भावनाओं और विश्वास को कभी नहीं टूटने देती हैं। शरीफ औरतों की पहचान उसके संस्कारों से भी की जा सकती है। अच्छी और शरीफ औरत कभी भी अपने से बड़ों का अनादर नहीं करती हैं। अगर अच्छी औरत किसी को गलती करते देखती हैं तो उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं। 2. शरीफ औरतों की पहचान उसके आंतरिक गुणों से होती हैं। हर किसी से अच्छा व्यवहार करना और गलत को गलत कहना अच्छी स्त्री के लक्षण हैं। शरीफ औरतें घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, जलन और द्वेष जैसी गलत भावना से दूर रहती है। अच्छी स्त्रियां झूठ नहीं बोल पाती हैं। इनमें हमेशा दूसरों की हेल्प करने की भावना होती है। शरीफ औरतों की पहचान उनकी निडरता भी है। ऐसी औरतें निर्भीक होकर सच बोलने का साहस रखती हैं। शरीफ और अच्छी स्त्री माँ, पिता और पति से कुछ भी नहीं छुपाती हैं। 3. शरीफ औरतों को कपड़े और रहन सहन से पहचान सकते हैं। जी हाँ, शरीफ औरतें छोटे और बेढंग कपड़े पहनने से बचती हैं। ज्यादातर शरीफ औरतों के बदन पर पूरे कपड़े होते हैं। घर में सास ससुर के सामने या किसी बाहरी व्यक्ति के घर में आने पर पल्लू गिरा लेती हैं। यह अच्छी स्त्री की पहचान मानी जाती है। शरीफ औरतें वेस्टर्न क्लॉथ को पहनना उचित नहीं समझती हैं। हालांकि किसी के कपड़े मात्र से उसके आंतरिक गुणों की पहचान नहीं की जा सकती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि शरीफ स्त्रियां गंदे और छोटे कपड़े पहनने से खुद को दूर रखती हैं। 4. शरीफ औरतें गैर मर्द के साथ नहीं घूमती हैं। जिन औरतों की शादी हो चुकी है वे पति या भाई के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ शॉपिंग करने या किसी स्थान पर घूमने नहीं जाती हैं। इसके अलावे वे तभी घर से बाहर निकलती हैं जब उन्हें कोई कार्य होता है, अर्थात बिना वजह के बाहर घूमना अवॉइड करती हैं। 5. शरीफ औरतों में प्रेम और आदर की भावना होती है। जो औरतें शरीफ और अच्छी नेचर की होती हैं वे अपने से छोटों को प्रेम करती हैं और बड़ों का आदर करती हैं। ऐसी औरतें बच्चों को बात बात पर नहीं डांटती हैं। बच्चों से कोई गलती हो जाने पर उन्हें मारने के बजाय सही गलत की पहचान बताती हैं। बड़ों से तर्क नहीं करती और न ही उनको बुरा भला कहती हैं। बड़ों की बातों को तरजीह देती हैं और उन्हें सुनती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।